अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान उज़्मा खान के साथ। तो क्या है आज, आज का दिन, आज की बहार, आज की खुशियां, आज की रवानियां, क्या है आज? आज है ईद, इसलिए आप सबको ईद मुबारक। ईद जो है क्या आती है, ईद आती है ना तो वो अपने साथ खुशियां लाती है। खुशियां क्यों लाती है, क्योंकि जो हमने 30 दिन या 29 जो हमने रोज़े रखे होते हैं और उसके बाद से हमारे लिए खुशियों का जो वक्त आता है, तो दिस इज़ अ टाइम टू सेलिब्रेट। ये अल्लाह ताला ने हमें दिया है ना, आपको पता है, बाकी सारी चीज़ें एक तरफ, वैलेंटाइंस, न्यू ईयर, एवरीथिंग, लेकिन जो ईद है, ईद अल्लाह ताला ने हमें ख़ुद तोहफे में दी है कि हम उसको सेलिब्रेट करें। ईद का नाम सुनते ही एक ऐसी फीलिंग है, ये वर्ड ही ऐसा है कि आपको लगता है कि बस हर तरफ खुशियाँ हो गई हैं। उम्मीद है कि आप लोग शीर खुरमे खा रहे होंगे, मीठी चीज़ों से, मीठी ईद है ना, मीठी चीज़ों से बहुत सारी अपने घर की ना मीठी चीज़ों को लेके बना बना के इंजॉय कर रहे होंगे, फैमिली के साथ बहुत खूबसूरत दिन गुजार रहे होंगे, क्योंकि ये तो दिन ही है फैमिली के साथ गुजारने के, खानदान के साथ गुजारने के, खानदान के साथ खुशियों को दोबाला करने के। कहते हैं बच्चों की ईद होती है, क्या ये सच है? आज हम अपने मेहमानों से ये सवाल पूछने वाले कि बाकी क्या बच्चों की ईद होती है। मुझे तो लगता है कि खवातीन की ईद होती है। मुकाबला सख्त होता है जी खवातीन और बच्चों में कि कौन ज्यादा कलरफुल लगता है, कौन ज्यादा खूबसूरत लगता है, कौन ज्यादा जो है ईद की गहमा गहमी को बहुत पुरौनक तरीके से दिखा रहा होता है। ऐसी बात है, मेल्स भी बहुत अच्छे लगते हैं भाई, हम उनको पीछे नहीं छोड़ सकते। स्पेशली आजकल आपने कपड़े देखे ही होंगे, मैं उन स्टार्स के नाम नहीं ले रही, लेकिन वो तो लगता है कि फीमेल्स के कपड़े और मेल्स के कपड़ों में कोई फ़र्क नहीं हो, उतनी कढ़ाइयाँ, उतने ही रंग, सब कुछ हो रहा होता है। बट नन द लेस द ईद इज़ एक्चुअली इज़ फॉर ईच एंड एवरीबडी, ऑल ऑफ द मुस्लिम। तो सारे मुसलमानों को सारी दुनिया में जहाँ जहाँ ईद मनाई जा रही है उनको ईद मुबारक। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको तो पता ही है सुबह बखैर पाकिस्तान तो हमने वैसे ही एक हलचल मचाने का एक जरिया बनाया हुआ है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए मेहमानों को बुलाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आज क्या खूबसूरत होने वाला है। आज तो सबसे पहले हमने रौनक लगाई है अपने खूबसूरत मेहमानों की, और सबसे बेस्ट ये है कि आज हमने, कहते हैं ना, क्रक्स होता है जो क्रीम होती है मेहमानों की, वो बुलाए। सारे मेहमान इंपॉर्टेंट है, लेकिन ईद वाले दिन आपको मैसेज देने के लिए हमने बहुत स्पेशल मेहमान भी बुलाए हैं। तो आगाज करते हैं, सबसे पहले पहले गेस्ट हमारी कौन सी हैं? तो हमारी पहली गेस्ट आज हैं जी, थोड़े से हिंट आपको दे देते हैं, बड़ी प्रिटी हैं, बड़ी ही प्यारा बोलती हैं, क्लोथिंग बहुत अच्छी है, बड़ी डीसेंट भी लगती हैं, उसके अलावा से बड़ी फ़नी फ़नी व्लॉग्स भी, व्लॉग्स तो हम नहीं कह सकते, ब्लॉग्स के अंदर बातें कर रही होती हैं। तो मुझे लगता है ब्लॉगर्स जो है ना, एक नंदलेस सबकी इज्जत मैं करती हूँ, जब वो एक फेस लेके ना यू राइट पे यू लेफ्ट पे करके बना के चले जाते हैं और उसके अंदर कोई बात नहीं होती, कोई उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता, तो वो एक ही जैसे लगते हैं। बट शी हैज़ ट्रेंड सेट द ट्रेंड, जिसके अंदर डिफरेंस भी है, खूबसूरती भी है, क्लास भी है, और नई नई जगह है और खूबसूरती है। तो नन अदर देन जो हमारी आज गेस्ट बनी है वो है द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट प्रिटी, नायला राजा। वेलकम टू द शो नायला। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक आपको। थैंक यू सो मच, आपको भी बहुत ईद मुबारक हो, इतना प्यारा इंट्रोडक्शन लिए थैंक यू सो मच, बल्कि इतना ज़्यादा बोल दिया आपने, इतना ज़्यादा है नहीं, इतना मोस्ट ब्यूटी, वो ये क्या कर दिया आपने, इतनी मतलब होता नहीं है और उसके बाद से और ज्यादा तारीफें एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ है ना आप, बहुत ज्यादा कर दिया आपने, बार बहुत हाई कर दिया तारीफों का। नहीं, आप डिजर्व करती हैं, आप बेसिकली यू आर वेरी डाउन टू अर्थ, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इसलिए आपको ये पता नहीं चलता है। लेकिन आपने जो ट्रेंड सेट किया है ब्लॉगिंग के अंदर, मैं ब्लॉगर्स को बहुत इतना नहीं देखती हूँ, क्योंकि मुझे सभी मोनोटोनस लगते हैं, एक लेवल पे लगते हैं, लेकिन आपका आई थिंक डिफरेंस ही ये है कि आप उसके अंदर क्लास लेके आती हैं, आपकी एक क्लासिक एक वो होता है जिसके अंदर चाहे आपके शूट्स हैं चाहे सब हैं वो हैं, लेकिन हम इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले तो बताइए कि ईद पे गहमा गहमी क्या हुई, सबसे पहले बताएं ईद की एक्टिविटी क्या करती हैं आप सुबह उठने के साथ? हमेशा से ऐसे ही है कि मेरी जो फैमिली वो बड़ी है माशाल्लाह, हम ज़्यादा बहनें हैं हमारे घर में है, तो हमेशा माशाल्लाह मतलब हम बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं हमेशा से, मतलब ईद पे बहुत ज्यादा एंजॉय करते, बल्कि रमजान पूरा ही हम बहुत एंजॉय करते हैं, जो सहरी इफ्तारी सब मिलके कर रहे होते हैं, वरना सबकी रूटीन थोड़ी ऐसी होती है कि बिजी होती है। तो ये कि ईद पे ये है कि सब ईद और रमजान, बल्कि रमजान से मैं कहती हूँ, मुझे रमजान ही बहुत पसंद है, मतलब मेरा फेवरेट मंथ है जी, माशाल्लाह। उसके बाद एक गिफ्ट है ना जी, रमजान भी मुझे एक ऐसा, आपका महीना ऐसे ही लगता है कि आपके लिए गिफ्ट ही है वो, ऐसे ही है। तो मैं ये सोचती हूँ कि हमारे मतलब रिलीजन की कितनी ब्यूटी है कि
उस रिलीजन में एक चीज हमें ऐसी मिली हुई है, एक मौका ऐसा मिला हुआ है जिसमें आपने इकट्ठा होना है और एंजॉय करना है। बहुत प्यारी बात की आपने। मतलब हमारे रिलीजन कितनी ब्यूटीफुल, मैं ये सोचती हूँ कि लोग हमेशा इस्लाम की ये बताते हैं शक्तियाँ क्या है, मना क्या है, लेकिन इस्लाम में ये चीजें बहुत हैं जिसमें हमें ये इतना प्यारा गॉड गिफ्ट है कि हम ईद मनाएं सबके साथ इकट्ठे हों, तैयार हों, तैयार हो, रिलीजन ही ये चीजें दी। ऐसा ही है, बहुत प्यारी बात की। मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहूंगी क्योंकि आपने एक बात है जिसको हम एम्फसाइज करते हैं और वो ये कि आपने ये बताया कि सबसे पहले सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जो हमारी कॉन्ग्रीगेशंस में एक्टिविटी होती है, जो आपने बताया इज्तमाई ईद की नमाज है, आपने उठ के स्पेशली मेल्स ने इकट्ठे पढ़नी है, फीमेल्स को भी कहा गया है कि वो जाके पढ़े। हाँ, बचपन में पहले हम जब छोटे थे हम जाते होते थे ईद की नमाज पढ़ने, ये तक उधर औरतों का अलग से इंतजाम होता था सबको, लेकिन अब फिर बंदा कहते हैं कि अब किधर जाएंगे उधर पढ़ने ईद की नमाज। हाँ, हाँ। सब बहने इकट्ठे होकर जाते हैं माशाल्लाह, इतना टाइमली हम तैयार हो जाते थे सुबह सुबह ही कि ईद की नमाज हमने इकट्ठे पढ़ने जाना है, उधर हमारी फ्रेंड्स जो नेबर्स वो सब आई होती थी तो हम उधर ही मिल लेते थे। अब ये क्या आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा चेंज हो गए, बल्कि मेरी सब बहनों मतलब घर में भी हम कम लोग हैं, सब बहनों के ऑलमोस्ट शादियां हो गई हैं, एक बहन भी बाहर पढ़ने चली गई है तो घर में लोग ही बहुत कम हैं, तो इस दफा की ईद थोड़ी डिफरेंट है। और फिर ये साल आपको पता है जैसे शुरू हुआ, बल्कि साल से पहले ही हमारे फिलिस्तीन भाइयों बहनों के साथ जो एक ट्रेजिक सब कुछ गुजरा है, ऐसा ही है। तो सब थोड़ा सा हमारा इस ईद पे यही है, बेशक एक हमारा यही है इस्लामी त्यौहार, लेकिन ये है कि हमें यही देखना पड़ेगा कि हमारे इस्लामी बहन भाइयों के साथ जो मुश्किलें गुजरी हैं हम उनके लिए दुआ करें ईद की नमाज में, सबसे पहले यही दुआ करें, बिल्कुल पूरा रमजान यही दुआ करनी चाहिए कि उनकी मुश्किलें परेशानियां खत्म हो और ईद को बस इंजॉय करना चाहिए। और मैं तो हर दिन इंजॉय करती हूँ, मेरा तो अपनी लाइफ का मोटो ये है कि मैंने हर दिन इंजॉय करना है, कोई दिन ऐसा ना रह जाए कि मैंने इंजॉय नहीं किया। ऐसा ही है, ये तो फिर डबल बोनस है कि उसको तो ज्यादा एंजॉय करना है, मैं बहुत एंजॉय करती हूं। हाँ जी। और नायला मैं आपसे एक फनी है लेकिन पूछना चाहती हूँ कि बड़ी मीम्स बनती हैं, बड़ी शायरी आती है कि इस दफा भी ईद अकेले ही होगी, क्या ईद है, क्या तेरे बगैर है, क्यों नहीं है, आपके नाम भी लगाई, मैं आप नहीं है तो मेहंदी भी नहीं है, ये सिंगल वाले ही बड़े मीम्स बनाते रहते हैं, तो क्या आप भी बैठ के क्या और मैरिड ये कर ही नहीं होते सब कुछ, सिंगल बच्चों की बातें सुननी पड़ती है, मैरिड ये सब कुछ नहीं कर रहे होते, वो बैठ के मैं बर्तन ही धो रहे होते वो भी क्या ही कर रहे होते मैरिड क्या कहते हैं, हम अपने पेरेंट्स की घर ईद करने जा रहे हैं, वो लोग अलग ही ईद कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, कम कपल्स जो मिलकर ईद एंजॉय कर रहे हैं, ऐसे ही है कि मैरिड साथ साथ ही है, उनमें भी ये होता है कि मैरिड में बीवी कह रही है कि मैं अपने माँ बाप के घर जा रही हूँ, और जो शोर है वो कह रहा है चलो मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, जो भी ऐसी ईद हो रही है ऐसी ही ईद हो रही होती है, मतलब ये डिपेंड करता है कपल्स में भी कौन साथ एंजॉय करता है और कौन सिंगल में भी कौन है जो सिंगल ईद एंजॉय कर रहा है। ईद एंजॉय करता है, ईद एक कैफियत है और जरूरी नहीं है कि वो किसी कपल या सिंगल के थ्रू हो, आपने एंजॉय करना होता है। लेकिन सच्ची बात ये है कि ये सारे त्यौहार जो है, चाहे वो ईद है, क्रिसमस है, ईस्टर है, वो सारे फैमिली एक कंसिडर होती है, तो अगर हस्बैंड वाइफ नहीं तो बहन भाई, आपके बाप, आप उनके साथ ईद स्पेंड करते हैं, आपको हर दिन एंजॉय करना चाहिए, ईद तो एक अल्लाह का तोहफा है, बेशक बेशक प्यार होना है, प्यारा लगना है और अच्छे अच्छे खाने खाने हैं, और बस ये नहीं कि टेबल भरा हुआ हो लेकिन थोड़ा बहुत भी हो तो, लेकिन आप एंजॉय करो, ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही है। तो ईदियाँ देती हैं या बस अब लेने का टाइम चला गया? देती हूँ लेकिन अब अभी लेती भी हूँ क्योंकि अभी मेरे ज्यादा फैमिली में ब्रदर लॉस हुआ हो गए, तो मैं अब यह कि अपने मैं उनसे कहती हूँ, मुझे जाहिर बात है घर में मैं ही हूँ, एक छोटी नहीं हूँ लेकिन ईद अब बच में गई हूँ, बाकी सब तो शादियाँ हस्बैंड से, तो ये कि ईद मुझे मिलती है, ईद मुझे काफ़ी मिलती है तो मैं देती भी हूँ। क्या अब ये बताइए कि ईद के ऊपर आपका फेवरेट पहनावा क्या होता है, क्या पसंद करती हैं, क्या एक्टिविटी होती मुझे है? वैसे ईद पे वैसे भी बल्कि नॉर्मली भी मैं जो ड्रेस परचेज करना पसंद करती हूँ अपने लिए, वैसे तो मैं ब्रांड्स का काम करती हूँ तो मुझे थोड़े पहनने पड़ते हैं प्रिंटेड और बहुत डिजाइन वाले कपड़े, लेकिन मुझे जो खुद पसंद है वो मुझे वन कलर पसंद है और बहुत लाइट से, मतलब उसके ऊपर सॉलिड कलर, फैशन मतलब अगर मुझसे कोई पूछे मेरी फैशन स्टेटमेंट क्या है तो यही होगा सॉलिड और मिनिमल, मिनिमल वन कलर हो या कुछ इस तरह से, बहुत ही मतलब जिसमें सबसे मिनिमल जिस ड्रेस में काम होगा सब कुछ है वही मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए अभी भी मैंने एक मतलब कलर के ऊपर कलर का ही काम हुआ वही ठीक है, मतलब डिफरेंट कलर नहीं है जैसे रेड के ऊपर ब्लू या ब्लू के ऊपर रेड, ब्लू है तो उसके ऊपर ब्लू ही काम हुआ और डिटेल्स हो, मुझे यही प्रेफर सेम के ऊपर, जैसे जैसे अभी आपने बड़ा खूबसूरत अभी ड्रेस पहना हुआ है और उसमें सेम कलर है। अच्छा ये बताइए कि लोग अक्सर ये करते हैं कि घर में रहते हुए ठीक है नॉर्मल एक अलग ड्रेस बनाते हैं, जब शाम में निकलते हैं तो अलग ड्रेस बनाते हैं, या आप कहते हैं कि एक ही कंफर्टेबल हो और वो ही जो है सारा दिन कंफर्टेबल, फैशन कंफर्टेबल होना चाहिए, वो फैशन करने वाला तो मैं इस चीज को कभी रिस्पॉन्ड उस पर नहीं करते हो, ठीक है। अच्छा इसके अलावा बस ईद की कुछ उसके बारे में बताएं कि जो स्पेशली आपकी ये होते हैं, जैसे हमारे सामने भी मीठा बहुत ज़्यादा है, तो आप क्या समझते हो कि क्या स्पेशल डिशेस होती हैं ईद की जो आपको पसंद है? सेवियां बहुत पसंद है, दोनों किस्म की, एक वो ड्राई वाली शीर खुरमा वाली,
नहीं इतना ज्यादा नहीं, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें डली हुई के, बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स और बहुत सब चीजें नहीं। एक ड्राई सेवियां मेरी मामा बनाती है देसी घी में, वो मुझे बहुत पसंद है। और एक दूध वाली सेवियां जो होती है वो भी मुझे बहुत पसंद है। और शाही टुकड़े भी बड़े अच्छे होते हैं, दोनों वाली। अच्छा, और ये भी बताएं कि कुछ है जो आप बनाती हैं ईद पर? नहीं नहीं बनाती। अच्छा, मैंने शाही टुकड़े बनाए हैं मुझे लगता है एक दफा, वैसे इतने हाथ से बनाए। मैं अब वही वाली बात है ना, शादी के बाद, शादी के बाद बनाई अपने शोहर को बना के, शोहर को बना जब वो मेरी मेहंदी और चूड़ियां लेके आएंगे। हाँ, भी सुबह मीठा बना दूंगी। अच्छा, ये वो मीम पूरी हो जाएगी जिस मीम पे हमने कहा था कि असल ईद तो अब आई मेरी। ठीक है, मीठा बनाऊं और वो चूड़ियां और मेहंदी लेके। हाँ जी, चूड़ियां और मेहंदी लेके। नहीं, वैसे बहुत ही, मैं समझती हूँ ये हमारी खूबसूरत ट्रेडिशंस हैं, और इवन कि हम मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इट एक्चुअली शोज द लव ऑफ योर पार्टनर कि किस तरह से वो ईद के ऊपर आपका आके एहतमाम भी करते हैं और ख्याल भी करते हैं। अच्छा, ये बताइए, और इसके अलावा कोई ऐसा खूबसूरत सा ईद का कोई आप शेयर करना चाहें? जैसे मेहंदी होती है, इज इट द बेस्ट दैट यू लाइक, या फिर जो ईद का शाम का खाना होता है वो होता है, कोई ऐसी ट्रेडिशन जो आप समझती हैं कि सबसे खूबसूरत है और आप समझती हैं कि ईद की पहचान है? हम लोग जैसे अपने नानी माँ के घर जाते हैं हर साल जाते हैं, और वो चीज़ें अच्छी होती हैं कि आप लोग सब इकट्ठे हों और टाइम निकालें सब चीज़ों के लिए। ये नहीं कि आप अक्सर पहले मैं बीच में ये होता था, मैं ऐसे कहती थी नहीं मैं सुबह उठ के नहीं जा रही हूँ नानी माँ के घर और सब कुछ, लेकिन अब मुझे ये रियलाइज होता है कि हमें इकट्ठा होना चाहिए। और बीच में जैसे मैंने छोड़ दिया था तो वो गलत है, हमको इकट्ठा होना चाहिए ना। अब मैं जाती हूँ, सुबह उठ जाती हूँ, जल्दी तैयार हो जाती हूँ, वरना मतलब मैं बीच में नहीं जाती हूँ। मैं ऐसे कहती थी मैं ये नींद आई हुई है, मैं आराम से तैयार होकर जाऊँगी, कहीं निकलूंगी सब कुछ। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको इकट्ठे होना चाहिए सबके पास, अपनी नानी माँ के घर और सब जगहों में सब इकट्ठे हों, सब रिश्तेदार और सबके पास, तो अच्छी चीज़ हो रही है। छोटी ईद है तो छोटी छोटी खुशियाँ इसी में। क्या बात है, छोटी ईद है तो छोटी छोटी खुशियों से ही ये बननी है। अच्छा, ईद की तो हमने बहुत बातें कर ली, कुछ जो है ऑब्वियसली हमारे पास टाइम कम है और हमने आपके साथ एक बहुत मज़े का सेशन है इसको कंक्लूड करना है। तो ये बताइए कि माशाल्लाह से आप ना सिर्फ एक यू नो यू आर अ वेरी नोन ब्लॉगर बट ऑल्सो यू आर एन एडवोकेट, ये जो आपने वेलोसिटी में समझती हूँ या एक वर्सटाइल किस्म के अलग अलग आपने प्रोफेशन चूज़ किए हैं, सबसे पहले तो एडवोकेसी इज़ अ वेरी सीरियस थिंग, ब्लॉगिंग इज ऑल्सो, तो ये किस तरह से मैनेज करती हैं आप? अच्छा, एडवोकेसी में ये है कि ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल होगा मतलब उसके साथ कोई भी काम करना, मतलब जो लॉयर्स हैं वो मुझे ऐसा लगता है वैसे भी बड़े, क्योंकि लॉयर्स में कोई एक स्पेशलाइजेशन नहीं है कि आप किसी एक चीज़ में स्टक हैं तो वही करेंगे। लॉयर्स ऑलरेडी बड़े मल्टीटास्किंग होते हैं, उनको पता होता है कि अगर जैसे क्रिमिनल लॉयर है उसने FIR भी करानी है तो उसने अगर साथ साथ फैमिली केसेस भी करने ऐसे और उसने सिर्फ FIR कराने हैं तो उसने और भी काफ़ी काम करने हैं क्रिमिनल लॉयर के, अगर किसी कोई कंपनी रजिस्टर करानी है वो भी वो करेगा। मतलब लॉयर्स ऑलरेडी बड़े मल्टीटास्क होते हैं, मतलब उनको डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, उनको पता होता है वो एक ही जगह स्टक नहीं होते, और उनकी डेस्क जॉब तो होती भी नहीं है। तो लॉयर्स की सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगती है कि आप डेस्क जॉब नहीं करेंगे, एक ही टेबल पर सुबह 9 से 5 बस बैठे हुए और कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं, बस अपना काम कर रहे हो, बस ऑफिस का काम और होके बाय। ऐसे तो इसके साथ साथ वैसे भी आप फ्री हो जाते हो, ये है कि मैं इतना ज़्यादा प्रेशर में कोई काम नहीं करती हूँ, मतलब ना ब्लॉगिंग करती हूँ ना ही अपने लॉयर रिलेटेड फील्ड में कुछ करती हूँ। जो काम मुझे पसंद है, जो काम मुझे लगता है मेरी लर्निंग है, मैं वही करती हूँ। और या ये कि जिस काम में मुझे लग रहा हो कि चलो मैं अच्छा अर्न कर रही हूँ, ये तीसरा मेरा गोल है, लेकिन मैं कोई काम में प्रेशर में नहीं करती जिंदगी, प्रेशराइज नहीं करती है। तो क्योंकि ऑब्वियसली हम सिर्फ ईद का और फन का वो नहीं करते, ये एक लर्निंग है, मॉर्निंग शोज है जो खवातीन तक आप की आवाज़ बना के पहचान पहुँचाई जाती है। तो ये बताइए कि स्पेशली जो अभी आपने कहा कि जब आप एडवोकेसी कर रही हैं और साथ ब्लॉगिंग कर रही हैं, तो क्या ऑलरेडी लोग जो ऑब्वियसली यू लुक लाइक अ मॉडल, आपकी डिफरेंट लुक्स हैं, आप एक प्रॉपर लॉयर नहीं लगती जो है ना, लगती है लेकिन गुस्से वाली नहीं लगती। तो लाइफ में मतलब मैं ये तो यही अचीवमेंट बहुत समझती हूँ कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली ब्लॉगिंग और लॉयर्स के अगेंस्ट ही बोलते हैं हमेशा से, ब्लॉगिंग और फीमेल लॉयर के, लड़की लॉयर नहीं बन सकती। ब्लॉगिंग के भी बहुत अगेंस्ट थी कि ये क्या काम है, ये क्या है, इसमें पब्लिक नहीं होना, ये सब चीज़ें, मतलब मेरे लिए यही बहुत अचीवमेंट है कि मेरी सारी फैमिली अब इस चीज़ से बहुत खुश है, मुझे अप्रिशिएट करती है हर चीज़ में, और खुद बता रहे होते हैं मेरी लॉयर वाली चीज़ को, तो मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरी पूरी फैमिली, मेरे पूरे मतलब रिलेटिव्स में पहले सब लोग इस चीज़ के अगेंस्ट थे कि ये कैसा काम है, और फीमेल लॉयर वाली चीज़ के भी अगेंस्ट थे कि औरत वकील कैसे, ये कचहरी में जाना, इस सब चीज़ों को कैसे बोलते थे। अब उन सब का पर्सपेक्टिव मुझे देख के इतना बदल गया है कि उन्होंने देखा है कि मेरे साथ अलग ना करे, मतलब कभी कोई बुरी चीज़ हो तो उन्हें पता है मैं स्टैंड ले सकती हूँ और मैं इस चीज़ के अगेंस्ट बोल सकती हूँ। मतलब अभी जैसे हमारा एक केस भी हुआ था फ्रॉड वाला, और उसको मैंने ही उसके अगेंस्ट सब कुछ किया हर चीज़,
और वो प्रॉपर हुई, वरना तो आजकल लोग आपको कैसे एक्सप्लॉइट कर देते हैं पता भी नहीं चलता। तो मुझे ऐसा लगता है एक लड़की को इतना कॉन्फिडेंट और इतना अवेयर होना चाहिए, इतना लर्नड होना चाहिए कि उसको ठीक गलत का पता हो, और अगर कुछ गलत होता है तो उसको कैसे काउंटर करना है ये पता हो। बिल्कुल। तो अब मेरे पेरेंट्स इस चीज़ में बहुत प्राउड है इन दोनों चीज़ों में, मतलब मैंने एक लेगेसी बनाई है। मैं मतलब वो लॉयर्स को भी जो समझते हैं, ब्लॉगर्स को भी एक अच्छी फील्ड समझते हैं दोनों को, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी मैं इसमें आगे बढ़ूँ, आगे क्या हो सब कुछ वो तो मैं सोचती नहीं हूँ। हाँ। अब ये लेगेसी है कि उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मेरी छोटी बहन को भी कहा कि तुम लॉ करो, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए कि वो अब इन दोनों चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं। पहले वो इन दोनों चीज़ों के अगेंस्ट थे और सख्त वाले अगेंस्ट थे, वो दोनों इन चीजों को खुद मेरा इंट्रो बताते हैं और खुद सब कुछ वो माशाल्लाह। तो यही मैसेज जो हम दे रहे हैं कि एडवोकेसी इज ऑल्सो अ फील्ड के जहाँ पे कहा जाता है कि खवातीन जो हैं वो जाती हैं तो बहुत क्रूड एक इन्वायरमेंट में होती है। शी इज़ ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल फॉर दैट कि अगर आप अपने ड्रीम को अचीव करेंगे ना तो लोग आपको अप्रिशिएट करना इवेंचुअली स्टार्ट कर देंगे। तो हम अब फाइनल कंक्लूजन रिमार्क्स की तरफ जाते हैं, तो ईद के ऊपर कोई मैसेज देना चाहें, कोई ऐसी चीज है मैसेज है ईद का जो लोगों से शेयर करना चाहे? सारी बातों में मैंने मैसेज दे दी है वैसे ईद स्पेशल में क्या मैसेज दूँ, इस तरह से मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं ये सबको, मैं जो भी ये शो देख रहे हैं सबको बहुत बहुत मेरी तरफ से ईद मुबारक, और ईद एंजॉय करें, सो के मत गुजारें। और ईद क्या, हर रोज को, हर रोज मुझे लगता है, मैंने तो अपना बर्थडे भी ईद की तरह सेलिब्रेट किया था, ऐसा ही है। मैं सबको कहती हूँ कि हर दिन ईद की तरह सेलिब्रेट करें और ईद को थोड़ा स्पेशल तरीके से सेलिब्रेट करें। और हम आपको ये बताते रहें कि छुपा हुआ जो खुफिया मैसेज इनके मैसेज से निकला है, हमने सरप्राइज रखना था लेकिन इन्होंने बता दिया कि अभी कुछ ही दिनों पहले इनकी बर्थडे गुजरी है, हमने स्पेशल इन्वाइट किया है नायला को ताकि वो हमारे साथ बर्थडे कर सके। ऑब्वियसली सेलिब्रिटी है तो सेलिब्रिटी की तरह ही बर्थडे मनाना चाहिए ना स्क्रीन के ऊपर, तो हम उनकी बर्थडे आज मनाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, ढेर सारे साल दे, और ये हम कुछ ही देर में आपके साथ ना केक कट करने वाले हैं। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि जल्दी से वापस आए, और ये जो मेहमानों की कहकशा हमने आज बुलाई है, इस मेहमानों में ईद के दिन आपको ख़ास तौर पे इनसे मिलवाएं और आपके साथ शेयर करें कि क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। ये है ट्रफल्स रेस्टोरेंट। ट्रफल रेस्टोरेंट वालों ने, हम बहुत शुक्रगुजार हैं उनके कि उन्होंने हमें ईद के दिन बुलाया ताकि हम उनके साथ एक अच्छा सा दिन भी गुजार सकें, और जो हमारे मेहमान आ रहे हैं उन मेहमानों के साथ यहाँ अच्छा सा दिन गुजार के एक्टिविटीज़ करने के साथ साथ ईद की खुशियां दोबाला कर सके। तो हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मैनेजर अब्दुल कदूस साहब। अब्दुल कदूस साहब से हम पूछते हैं कि एक तो वो खुद ईद का दिन कैसे गुजारते हैं, और इसके अलावा ये जो रेस्टोरेंट है, लोग कहते हैं कि जी पहले दिन शायद इतना ज़्यादा लोग फैमिली डे होता है, इतनी गहमा गहमी नहीं होती है रेस्टोरेंट्स के अंदर, लेकिन आज के दिन क्योंकि इनके साथ हम सारी एक्टिविटीज़ पूछेंगे कि ट्रफल्स रेस्टोरेंट में होता क्या है। सो वेलकम टू द शो अब्दुल कदूस साहब। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया आपके आने, बहुत शुक्रिया आपके हमें बुलाने का। आपको ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, आपको भी ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि रेस्टोरेंट में पहले दिन जैसे ईद का होता है, तो आप लोगों का स्पेशली, जैसे आपका अपना रेस्टोरेंट ट्रफल्स है, इसमें क्या एक्टिविटीज़ होती हैं ईद के अंदर, क्या क्या आप लोग दे रहे होते, कर रहे होते हैं लोगों के साथ? ईद के दिन स्पेशली जो है ना, हम जो है ना रेस्टोरेंट ओपन करते हैं स्पेशली गेस्टों के लिए, ताकि लोग यहाँ पर आएँ, उसके बाद वो इन्जॉय कर सकें यहाँ पे, तो हमारा बहुत अच्छा व्यू को इन्जॉय कर सकें, फूड को इन्जॉय कर सकें। हमारा फायर वर्क है बाहर पे जो है ना, स्पेशल जो फैमिलीज आती हैं वो हमारी फायर वर्क को, एक्टिविटी को पसंद करती हैं, वो है हमारे लिए। और स्पेशली ईद के दिन हम उनके लिए स्पेशल फूड्स वगैरह, हमारा स्पेशलिटीज में मेन्यू वगैरह रखते हैं, उसमें बार ड्रिंक्स होती हैं हमारे पास, डिज़र्ट्स केक्स वगैरह होते हैं स्पेशली। तो यानी आज रात को जो ईद का दिन है, आपके फायरवर्क्स होने हैं? जी जी, फायरवर्क्स भी होंगे बिल्कुल बार के ऊपर, वो डिफरेंट फैमिलीज जो हैं वो जाके वहाँ पे स्पेशल जो है उनके लिए, हर फैमिली के लिए स्पेशल हो। तो अब्दुल कदूस साहब का मैसेज आपने सुन लिया है कि कोई भी रेस्टोरेंट इस्लामाबाद में ये एक्टिविटी नहीं करा रहा है कि वो रात के अंदर एक फायरवर्क्स का इंतजाम करता है जो सिर्फ न्यू ईयर पे होता है। तो आज रात को आज हम ज्वाइन कीजिए, सुबह के दिन तो हम आपको आइए मॉर्निंग मैसेज दे ही सकते, तो रात को आइए डिनर कीजिए, बहुत अच्छा व्यू इंजॉय कीजिए, साथ ही फायरवर्क्स भी यहाँ पे इंजॉय कीजिए। अच्छा ये बताइए
कि इसके अलावा आपका जो अपनी फील्ड है, ठीक है, आप यहाँ पे आए हैं, आपके लिए ईद गुजारना फैमिली के साथ क्या मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक रेस्टोरेंट इंडस्ट्री है, उसका एक सेट टाइम है कि आपने शाम में जाके करना है, या फिर आप समझते हैं कि नहीं, रेस्टोरेंट भी आपकी एक फैमिली की तरह है तो आपके लिए मैनेज करना आसान होता है? नहीं, बिल्कुल, रेस्टोरेंट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। हम सुबह मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग जो है नमाज़ पढ़ के फैमिली बच्चों के साथ ईद करके उसके बाद फिर हम शाम के टाइम जो है ना उससे पहले हम अपनी तैयारी कर चुके होते हैं, फिर शाम के बाद जो है ना वो हम आते हैं रेस्टोरेंट ओपन करने। ये भी हमारी एक जो है ना हिस्सा है, हमारी फैमिली का एक हिस्सा होता है। माशाल्लाह नया रेस्टोरेंट है हमारा, टॉप रेस्टोरेंट, तो इसके लिए हमें स्पेशल गेस्टों के लिए तैयारी करनी होती है। गेस्ट के लिए तैयारी करते हैं और सब आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मैसेज आपने दिया। ये बताइए कि ईद के ऊपर पर्सनली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सब लोगों को? हम ईद पे ट्रफर रेस्टोरेंट की तरफ से सबको जाना ईद मुबारक कहेंगे। आप लोगों को भी ईद मुबारक। हाँ जी, सबको ईद मुबारक। और इसके अलावा आप लोगों ने आना है और यहाँ पे खूब इंजॉय करना है। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल कुद्दूस साहब आपका, बहुत ही एक अच्छा आप लोगों ने एक वेंचर स्टार्ट किया है। अल्लाह इसमें बरकत डाले और इंशाल्लाह हम यहाँ आते रहेंगे और यहाँ रौनक लगाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ये जो सितारों की झुरमट हमने लगाई है, ये जो मेहमानों की झुरमट हमने आपके पास लगाई है, उन्हीं मेहमानों में हमने एक और मेहमान बुलाई हैं। बेसिकली तो वो आप कह सकते हैं कि हमारे दिल के बहुत करीब है भाई, हम मेरी तो बहुत अच्छी दोस्त है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत अच्छी इंसान है। और इसके अलावा वो बहुत सारे फैशन डिज़ाइनिंग की चीज़ों में आगे हैं, इसके अलावा वो कंसल्टेंसी की चीज़ें करती हैं। शी हैज़ सो मेनी थिंग्स दैट इज़ ऑन हर, यू कैन से द फेदर्स ऑन हर कैप। लेकिन आज हम लोगों ने उनको स्पेशल बुलाया है ईद के लिए, ताकि ईद पर हम उनके साथ गपशप कर सकें। भाई ईद तो होती ही आपकी अपनों से है, दोस्तों से है, ख़ानदान से है, सबसे है। तो आज हमने दोस्तों को बुलाया है, उन दोस्तों में नुमाया है हमारे साथ मोनिका। मोनिका जो है वो बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन तो हम दे चुके हैं, लेकिन उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि वो क्या क्या करती हैं और क्या क्या पसंद करती हैं। तो वेलकम टू द शो मोनिका। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम उस्मा। वालेकुम सलाम। ग्रेट प्लेजर कि आपने बुलाया जी ऑन दिस शो, और इतनी तारीफ कर दी है कि मैं कुछ खुद बोलना चाहूँ भी तो शायद मेरे ख्याल में मेरे पास वो वर्ड्स ही ना हो। हाँ जी, यू आर मोस्ट वेलकम एंड यू आर मोस्ट डिजर्विंग, जिसकी वजह से आपको ये सारी तारीफ है। तो ये बताइए सबसे पहले कि ये इतना खूबसूरत जो आपने ड्रेस पहना हुआ है, क्या ये आपने खुद डिज़ाइन किया है? ऑब्वियसली उसकी तो कोई वजह हो ही नहीं सकती कि अगर मैंने ना किया हो तो, मैंने पहना है तो मेरा ही होएगा। आप हमेशा अपने डिज़ाइन किया हुआ कपड़ा पहनती है, सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आई वॉन्टेड टू कॉम्प्लीमेंट यू ऑन दिस। ये आप बताइए कि सबसे पहले ईद मुबारक आपको, ठीक है, तो ईद का ये बताइए कि आपकी ईद की रूटीन क्या होती है, सबसे पहले वो शेयर कीजिए। आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि आप अपनी फैमिली के साथ नमाज के बाद यू नो गेट टुगेदर करते हैं, सवैया खाते हैं, फिर रिश्तेदारों के घर जाते हैं। मीठी ईद, आई नो, बट उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि यू नो जो जो अंडर प्रिविलेज लोग होते हैं उनको भी पूछा जाए। ऐसा ही है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। SOS villages and such things, I think add on to it. हमें विजिट करने चाहिए। तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी ट्रीट होती है जब उनके चेहरों पे एक स्माइल होती है। हाँ, एक कंटेनमेंट होती है, कंटेनमेंट होती है, जब स्पेशली जब वो जो गिफ्ट्स होते हैं और जो ट्रीट्स उनको मिलती हैं, आई थिंक दोस आर प्राइसलेस फॉर देम, एंड द स्माइल कमिंग आउट ऑफ दैट इवन मोर सो ट्रू। बहुत ही खूबसूरत बात की मोनिका ने कि हमने ईद की खुशियां जो है सिर्फ अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करनी है, अपने करीबी से शेयर नहीं करनी है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द बहुत सारे वेलफेयर हाउसेज हैं, यतीम खाने हैं, वहाँ पर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो कि आपकी मुंतज़र होते हैं, अपनों के मुंतज़र होते हैं, लेकिन उनके पास कोई जाता नहीं है, तो उनको ज़रूर विज़िट कीजिए, उनके साथ ईद गुजारिए और जो अल्लाह ताला की नेकियाँ हैं ना उन नेकियों में बरकत दीजिए। तो ये बताइए मोनिका कि
ईद का आपका सबसे फेवरेट चीज़ क्या है? क्या आपको ये जो कलरफुल है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट है, या रमज़ान की जो एक पूरी एक आप ये कह सकती हैं कि रूटीन है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यू नो यू फील वेरी कंटेंट एंड यू फील वेरी सेरेनिटी, क्या आपको वो पसंद है? या ईद का जो स्पेशल डे होता है उसके अंदर आपको क्या खूबसूरत लगता है? आई थिंक ईद इज़ एन एग्रीगेट ऑफ ऑल रमज़ान के जितने दिन होते हैं, वो आपको एक पेशेंस सिखाता है, एक रेजिलियंस, सो ट्रू, एक जो भूख होती है, हाउ यू फील इट, इट्स आल्सो दैट, प्लस इट्स आल्सो गुड फॉर द मेडिकल रीजंस, बिल्कुल, सो इट्स एन इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आपकी जैसे होती है, बिल्कुल, तो वो इट्स लाइक अ कॉन्कॉक्शन, सो बेसिकली आपको एक पेशेंस सिखाता है ओवरऑल एवरीवे, ऐसे ही, सो आई थिंक वो जब आप 30 दिन गुजारते हैं रमजान के और फिर उसके बाद जब वो ईद आता है, इट्स लाइक अ फीस्ट, ऐसा ही है, सो आपको लगता है कि यू नो वो पेशेंस जो है वो बैरियर एक क्रॉस कर रही है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, तो आई थिंक उसकी एक अलग मजा होता है नमाज का, फिर हग करना, गले लगना, ऐसा ही है, वो ईदी के नाम पे हो तो एक बड़ी रेमिनेंस होती है, रेजोनेट करते हैं आप वो बचपन की यादें और वो सब, तो ये वो सारी बड़ी खूबसूरत बातें। सो हैविंग सेड दैट, आप ये मुझे बताइए कि ईद के जो पकवान है, आपने मीठे का जिक्र किया, मीठी ईद होती है, आपको खाने में क्या पसंद है? एक तो ईद के ऊपर, उसके अलावा खुद आप क्या स्पेसिफिक बनाती हैं? अच्छा, I like this, सेवैयां तो लोग दूध के साथ बनाते हैं ना, I like baked वाली, baked वाली, wow, pistachios or wood करके, and then you know, very nice sugar, so it, I've actually learned it from Saudi Arabia because I grew up there, kunafa जैसे उनका होता है, नहीं कहते उसको basically, but it's like a crispy vermicelli, और फिर आप उसको oven में bake करते हैं, very nice, delicious, soft भी होती है, crispy भी होती है, हाँ, very nice, that is one of the best, so किसी को कोई दिल करे तो दूध के साथ भी ले ले, दूध के साथ खोरमा बना ले, but I think this is my favorite because मैं यमी भी बनाती थी, so I think this is something very very special, very special, जबरदस्त। तो ये तो जो है खाने में आपको पसंद है, ठीक है, जब आप बनाती हैं कोई एक स्पेशल डिश, व्हाट वुड यू कॉल इट, लाइक कि मेरा, मैं वो बनाती हूँ तो मुझे पता होता है ये ईद की ही डिश है, यू मीन सिग्नेचर, सिग्नेचर डिश, ऑफ कोर्स, हाँ, still I think this is the one vermicelli, this is my favorite, इसके बगैर मुझे मजा नहीं आता, हाँ वैसे चना चाट वगैरह special घर के इमली के साथ और वो, because you know very nice, that is more interesting, तो सेवरी में वो आ जाता है, क्या बात है, ये आपने आज क्या, अगर आप हमें इनवाइट करना चाहें, ज़बरदस्ती इनविटेशन लेना चाहें, क्योंकि आई थिंक माशाल्लाह से यू हैव दैट क्रक्स इन यू कि खाने की चीज़ों का आपको बड़ा एक डेप्थ में पता है, एंड यू लाइक इंटरनेशनल थिंग्स एज वेल, तो ज़रूर आपके घर में ना से एक कॉन्टिनेंटल किस्म की ईद की ना डिशेज हुआ करती होगी। आप एक एक क्वेश्चन कर लें कि अगर आप डिज़ाइनर ना होती तो क्या होती, तो मैं कहती मैं शेफ होती, शेफ होती आप, और पाकिस्तानी शेफ होती या कॉन्टिनेंटल, कॉन्टिनेंटल भी बहुत, आई थिंक पाकिस्तानी कुजीन भी एक बड़ी इसकी आर्ट है, हमारे यहाँ उसको सही तरह बनाए जाते हैं, मुगलाई ही होता है, इट्स एन आर्ट टू इट, ओके ओके ऑलराइट, तो इस तरह से है। अच्छा ये बताइए कि ऑब्वियसली हम प्रोफेशन का जिक्र कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो ख्वातीन के लिए भी इसमें एक मैसेज है, आपने बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी की हैं, जैसे कि आप कह रही है अगर मैं ना होती तो मैं शेफ होती, अगर मैं डिज़ाइनर ना होती, ये कंसिस्टेंसी, मैनी थिंग्स, ठीक है, तो हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट, लाइक देर आर प्रॉब्लम्स फॉर वुमेन इन एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, जब आप जॉब्स करते हैं डिफरेंट जगहों पे वो करते हैं, लेकिन आपने इतने सारी चीज़ों को साथ मैनेज किया, तो ख़वातीन जो स्ट्रगल कर रही हैं जॉब्स में और कैरियर्स बनाने में, और या फिर हाउस होल्ड है वो निकलती नहीं है बाहर, काम नहीं करना चाहती, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप क्या मैसेज देंगी अपनी चीज़ों को देख के, अपने कैरियर को? आई थिंक द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, द एरा कुछ इस किस्म का एरा है कि दैट यू नो एवरी वुमन हैज टू कम आउट ऑफ द हाउस एंड वर्क इन अ सर्टेन एंबियंस, अगर उसको हम एक एंबियंस क्रिएट करके दे दें, मेरे पास क्योंकि एक एग्जाम्पल है, मैंने विलेजेस से लड़कियाँ उठा के उनको मैंने काम सिखाया इन माई फैक्ट्री, उनका लाइवलीहुड क्रिएट किया, हाँ जी, उनको कन्विंस किया डोर टू डोर, तो आई थिंक अगर हम एज अ नेशन आई वी वर्क ऑन इट एंड बिकम मोर नेशनलिस्ट, तो हम डोर टू डोर जाके उनको हम कन्विंस कर सकते हैं एंड क्रिएट अ लाइवलीहुड आउट ऑफ इट, ऐसे ही आई थिंक हमें डरना नहीं चाहिए, और बल्कि दूसरी औरतों को भी हमें एक यू नो प्लेटफॉर्म देना चाहिए वे दे कैन वर्क एंड एक्सप्लोर देयर सेल्व्स।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, इंशाल्लाह हम इन चीज़ों के ऊपर साथ चलेंगे और करेंगे। अब हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, हमारे मेहमानों को हमने थोड़ा थोड़ा टाइम इस पर देना है, तो कोई ऐसा ईद का मैसेज जो आप सबके साथ शेयर करना चाहें, कुछ ऐसी बात जो आप सबके साथ बताना चाहें? That's a difficult one. बातें तो हो भी चुकी हैं, बट यही चाहूंगी कि आई थिंक कि हमें थोड़ा वक्त अंडर प्रिविलेज लोगों को देना चाहिए। मेरे नज़र में एक जो ज़ईफ और बूढ़े लोग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कभी मुझे मौका मिला तो आई विल क्रिएट ओल्ड होम्स विच शुड बी वेरी वेरी कम्फर्टेबल फॉर देम। वन, नंबर टू, ब्लाइंड, जो ब्लाइंड बच्चे हैं क्योंकि वो देख नहीं सकते, एंड उनके लिए हम एक रीजनेबल स्पेस और एक एनवायरमेंट क्रिएट करें, बिल्कुल, क्योंकि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन द अदर स्टाफ, तो इट्स प्रोविजन एक अच्छी होनी चाहिए क्योंकि वो देख नहीं सकते। एग्जैक्टली, सो आई बिलीव के दे आर द मोस्ट अंडर प्रिविलेज इन आवर कंट्री। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल मैसेज मोनिका। मैं जो आपकी है द स्पिरिट यू हैव इनसाइड यू, अल्लाह इसको और ज़्यादा करे और हम भी जो हैं, हम सब भी ईद को इसी स्पिरिट के साथ मना सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। Have a great Eid day ahead. और यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपको अपने बाकी मेहमानों से मिलाएंगे। So stay with us. बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई मेरे लिए तो बहुत स्पेशल मोमेंट है क्योंकि मेरे मेहमान मेरे साथ ईद मना रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा आज जो है, आज हमारी जो टीम है, टीम मेंबर हैं, मैं उनके साथ ईद मना रही हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा ये दिल कर रहा था और वो था कि मैं उनको आज रिकग्नाइज करूँ उनके साथ ईद वाले दिन। स्पेशली जो हमारे एक टीम मेंबर है, सब बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो जो है उनका एक स्पेशल टैलेंट है सिंगिंग का। वो इतना खूबसूरत गाते हैं, मैंने उनको स्टेज पर सुना है, तो जैसी फैमिली है वैसे हमारे लिए वो हैं, इसलिए ये कैसे हो सकता है कि ईद हो और मैं अपनी टीम, जो हमारी रोज़ टीम है, फैमिली, उसके साथ ईद ना मनाऊं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ अपने टीम मेंबर को शो में, नुमान। वेलकम टू द शो नुमान, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपका और सारी टीम का थैंक यू, जो कि इतना खूबसूरत प्रोग्राम ईद के दिन लेकर आ रहे हैं, ईद का दिन अपने रोज़ न्यूज़ के व्यूअर्स के साथ मना रहे हैं। तो नुमान ये बताइए कि आप हमारे कैमरामैन हैं और बड़े सीनियर कैमरामैन हैं, लेकिन इसके अलावा आपका एक टैलेंट है कि आप एक बहुत खूबसूरत गाना गाते हैं, आपकी सिंगिंग बहुत खूबसूरत है, तो ये मुझे बताएं कि ये टैलेंट सबसे पहले आपने, जो आप में आया है, ये आपको कब शौक हुआ? ये शौक तो मुझे काफ़ी देर से था, बचपन से था, और ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, माशाल्लाह। तो शुरू से ही आवाज़ थोड़ी अच्छी थी, दोस्तों में गाता था और वो तारीफ कर देते थे, मुझे भी नहीं पता था कि लोगों को मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा पसंद आती है। अच्छा जी जी, माशाल्लाह तो, माशाल्लाह जी। अच्छा, तो ये लोगों को तो पसंद आती है, लेकिन ये जो छुपा हुआ टैलेंट है, ये जो हमारे छुपे हुए टैलेंट नुमान साहब हैं, इनको आज हम सामने लेकर आएंगे ताकि सबको पता चल सके कि उनकी आवाज़ कितनी खूबसूरत है। तो नुमान, आज आप हमारे साथ क्या शेयर करने वाले हैं? जी, एक नुसरत साहब का गाना है, ठीक है, वो शादी के हवाले से है ना जी, तो चलिए मैं इस खुशी के मौके पे आपको सुना देता हूँ। जी जी, ज़रूर ज़रूर, प्लीज़ हम सुनना चाहेंगे आपसे। शहनाइयों की सदा कह रही है, क्या बात है, खुशी की मुबारक घड़िया गई है। वाओ वाओ, वेरी नाइस। सजी सुर्ख जो चांद सी दुल्हन, क्या बात, जमीन पे फलक से परिया गई है, क्या बात है, क्या बात। हाँ,
धूले का सहरा सुहाना लगता है, धूले का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। क्या बात है। धूले का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते, हो अब तो हर अपना बेगाना लगता है। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। धूले का सहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। धड़कन ये मेरी धड़कन, क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। धड़कन ये मेरी धड़कन, धड़कन 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 ये मेरी धड़कन। Wow, goosebumps, Numan, goosebumps, mashallah. ये वाला सुर तो आपने हमें पहले नहीं सुनाया था, लेकिन ये ईद के दिन मुझे लगता है खुशियाँ जब आपकी रवानी में होती है ना, और आपका जो ब्लड है वो कहीं खूब को ना पप पप कर रहा होता है, दिल बहुत खुश होता है, तो इस तरह का सुर निकलता है। तो नुमान आपने तो महफिल ही लूट ली, और दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है और दुल्हन का दिल दीवाना लगता है, ये आपने ईद के मुनासिबत से जो गाना चूज़ किया है, दैट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट चॉइस, बहुत अच्छा आपने गाना गाया। कोई और आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, कोई ऐसी जो आपका पर्सनल फेवरेट हो, कुछ लाइंस आप उसमें से सुनाना चाहें? तो एक सॉन्ग है गुलाबी आंखें, आपने सुना होगा। बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना है और अच्छा सॉन्ग है। चलिए आपको वो सुना। जी सुनाए। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, सुन जरा ओ दिल रुबा। मैं लुट गया शराबी गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। वेरी नाइस नुमान, वेरी नाइस। आपने इतने खूबसूरत तरीके से गाना गाया है, और सीरियसली इंजॉय हम लोगों ने थरली किया है। आई एम श्योर हमारे इनके जितने भी लोग बैठे हैं सब ने इंजॉय किया है, तो हम यहाँ पे शुक्रिया अदा करेंगे नुमान का। अल्लाह आपकी काम आवाज़ में और बरकत डाले, आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा जगहों पर इसी तरह से सुनी जाए। यहाँ लेते हैं हम इजाज़त नुमान से, और इंशाल्लाह इसके बाद हम नए गेस्ट से मिलेंगे। तो सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी तो आपको वेलकम करते हैं, हमारे साथ हैं एक नए मेहमान। और हम आज का जो थीम है प्रोग्राम का, वो थीम ये है कि आपके साथ जैसे आप घर में बैठ के अपने सारे दोस्तों से, घर वालों से, मेहमानों से मिल रहे हैं, हमने भी मुख्तलिफ मेहमानों को बुलाया है ईद के दिन ताकि हम उनके साथ गपशप कर सकें। तो वेलकम करते हैं हम अपने नए मेहमान को, जो कि है मोहम्मद इनामुल हक। वो एडवोकेट हैं, बहुत सारी मेजर मैटर्स के ऊपर वो करते हैं, लेकिन आज हम प्रोफेशंस को छोड़ के जस्ट बीइंग अ ह्यूमन, एक दोस्त, एक इंसान हम लोग ईद के शो पे बुला रहे हैं और उनके साथ बातचीत और गपशप कर रहे हैं। तो वेलकम टू द शो इनाम साहब। थैंक यू वेरी मच, ईद मुबारक आपको। जी आपको भी ईद मुबारक। सबसे पहले तो ये बताइए कि ईद का दिन आप कैसे गुजारते हैं? इनफैक्ट जो ये ईद उल फितर है, इसमें तो ऐसे होता है कि रमज़ान की रूटीन ही चल रही होती है, और वो नॉर्मली यही होती है कि रात को नहीं सोते, सहरी करके ही सोते हैं फजर की नमाज़ के बाद। तो इस वजह से जो चांद रात होती है वो भी ऐसी ही चलती है। हाँ जी। तो फजर की नमाज़ के बाद हम लोग ईद की तैयारी करते हैं, और उसके बाद
عید کی نماز کے بعد قبرستان وغیرہ سے ہو کے تو پھر ناشتہ سب لوگ مل کے کرتے ہیں. اچھا. اور اس کے بعد پھر سارے بچوں کو عیدی وغیرہ بانٹ کے اس کے بعد پھر بیٹھنے چلے جاتے ہیں. تو اچھا سو جاتے ہیں اور پھر اٹھ کے دوبارہ سے شام کی تیاری کرتے ہیں. اچھا یہ بتائیے کہ عیدی دینے میں مزہ آتا ہے یا لینے میں؟ آبویسلی لینے میں آتا ہے, لیکن کیا ابھی بھی آپ عیدی ریسیو کرتے ہیں تو آپ کو سیم فیلنگ آتی ہے جیسے بچپن میں آتی تھی؟ عیدی لینا بڑا ایکسیپشنل ہو گیا, اب تو دینے والی بات ہوتی ہے, اب تو ساروں کو یہ دینی ہوتی ہے. ہاں فیملی میں کافی سارے جو سے بھتیجے ہیں, بھانجے ہیں, بھانجیاں ہیں, ان سب کو دینے کے لیے. ٹھیک ہے. الٹیمیٹلی obviously time to time کو ان ٹائم کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کا بزی شیڈیول ہوتا ہے, ان کی آؤٹنگ بھی ہوتی ہے, ان کی گیدرنگ بھی ہوتی ہے, تو اس کے لیے پھر وہ ساتھ ساتھ ہمیں ان کو انٹرٹین بھی کرنا ہوتا ہے, ڈیل بھی کرنا ہوتا ہے, ان ٹائم کرنا ہوتا ہے. بالکل, کہتے ہیں نا کہ عید تو بچوں کی ہوتی ہے اور صحیح معنوں میں وہ بناتے ہیں. ہم تو خود جب چھوٹے ہوتے تھے تو عیدی آپ نے دو دو روپے لے کے پہلے آپ گنا کرتے تھے, گننے کے بعد پھر اس کو اتنی محبت سے دیکھتے تھے, دیکھنے کے بعد آپ اتنے پلان کرتے تھے کہ اس سے پتہ نہیں کیا کیا ملے گا. ہوتا کیا تھا, امی ساری عیدی لے لیتی تھی, اس کے بعد سے وہ اتنے خواب دکھاتی تھی کہ اس سے تمہارے لیے یہ آئے گا وہ آئے گا, اور وہ عیدی کبھی ہمیں واپس نہیں ملتی تھی. تو یہ ہمارے ساتھ ٹراما ہے زندگی میں جو ہمیں بچپن میں ملے. کیا آپ کے ساتھ بھی یہ دکھی تجربات ہیں؟ جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا تھا. وہ پھر جو بڑی کرنسی کے نوٹ ہوتے تھے وہ لے لیتے تھے, اور اس کے چینج میں ہمیں چینج دے دیا جاتا تھا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں, کیونکہ مین ان کا یہی ہوتا تھا ایشو کہ آپ اس کو گھما دیں گے. ہاں جی گھما دیں گے, تو اس لیے وہ پکا گھما دیتی تھی اپنے پاس لے جا کے. ہاں یہ جو امیاں ہمارے ساتھ کرتی تھی نا, لیکن ہم بھی بڑے ہو گئے, ہم بھی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے لگتا ہے ایسے ہی کرتے, کیونکہ سچی بات ہے کہ وہ آبویسلی پیسے سنبھالتے نہیں ہیں تو ان سے لے لیا جاتا ہے. لیکن یہی تو خوبصورتی ہے عید کی اور عید کی روایتوں کی. یہ بتائیں کہ آپ کو عید کے کھانوں میں کیا پسند ہے؟ کھانوں میں بیسکلی جو مارننگ میں ہم لوگ لیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے, میٹھے میں ہی ہوتا ہے کچھ, کبھی سوئیاں ہوتی ہیں, شیر خرمہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد جو سے نارمل ڈیلی روٹین کا جو چل رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں ہم کھاتے ہیں, اوبویسلی اس میں ڈفرینٹ قسم کی جو سے اسنیکس وغیرہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. شام کو پھر ایک اچھا ہم لوگ ایک لیوش قسم کا ڈنر ہوتا ہے جو سب لوگ ہم لوگ دوستوں میں بیٹھ کے اور فیملی میں بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ بھی اچھا جو اسپیشل بنتا ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ بتائیے کہ جو ایک اسپیشل عید کی چیزیں ہیں, عید کے سب وہ ہیں, یہ تو گہما گہمی ہے, یہ تو لگی رہتی ہے, کوئی عید کے اوپر میسج دینا چاہیں گے آپ سب کو؟ عید پہ میسج یہی ہے کہ خوشیاں منانے کے ساتھ ساتھ خوشیاں بانٹنی بھی چاہیے, باقی وہ لوگ جو اصل اس کے حقدار ہیں ان تک, جو ڈیزرو کرتے ہیں ان تک پہنچنی چاہیے. ایسا ہی ہے بالکل, کیونکہ بیسیکلی ان کا بھی رائٹ ہے. ایسا ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ عید شیئر کریں. بالکل بالکل. اور یہی وہ باتیں ہیں جن کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ عید کی جو اصل اسپرٹ ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کے لیے کہا ہے, وہ اس کی اسپرٹ یہی ہے کہ آپ نہ صرف اپنے ساتھ گھر والوں کے ساتھ بلکہ ارد گرد آپ کے پڑوسی, کوئی ڈیزرونگ لوگ, آپ کے رشتے دار, ان سب کے ساتھ یہ خوشیاں شیئر کریں. جی تو بہت بہت شکریہ ہمارے شو پہ آنے کے لیے. ونس اگین آپ کو عید مبارک, امید ہے کہ آپ بہت اچھا عید کا دن گزارے. تھینک یو ویری مچ, سیم ٹو یو ایز ویل, عید مبارک ٹو یو. ہاں جی, اور آپ کے چینل کو بھی, اور آپ کا شکریہ. تھینک یو ویری مچ. آپ پہلے جنہوں نے ہمارے چینل کو عید مبارک کہی ہے, تو اسی خوشی میں ہم آپ کو میٹھا زیادہ دیں گے. جی بالکل ٹھیک ہے, میں لے کے جاؤں گا, فکر نہیں کریں. ٹھیک ہے, آپ نے کہا بھی شاید اسی لیے تھا. لیکن روز نیوز کے سب کو, ویورس کو اور پوری ٹیم کو, اور تھینک یو کہ آپ نے ان کے ساتھ شیئر بھی کیا, پوری ٹیم کے کو عید مبارک. اور یہ وہ لوگ ہیں جو عید کے دنوں میں محنت کرتے ہیں اور آپ تک یہ ساری چیزیں لے کر آتے ہیں, تو سب کو عید مبارک. اسی عید میسج کے ساتھ ہم نئے مہمان کی طرف چلتے ہیں, تو چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ہماری نئی گیسٹ ہیں, بڑی ہی کیوٹ سی گیسٹ ہیں, بڑی ہی چلبلی, دل کی اچھی بات کرنے والی. اور اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ہم میڈیا کے لوگ ہیں, وہ بھی میڈیا سے ہیں, تو ہمارا دکھ درد سمجھتی ہیں, ہمارے حالات سمجھتی ہیں, لیکن ہم نے ساری چیزوں سے بڑھ کے ان کو عید پر بلایا تاکہ عید کی خوشی ہم ان کے ساتھ شیئر کر سکیں, ان سے جان سکیں کہ آخر جو عید کا اتنا خوبصورت دن ہے وہ کس طرح سے عید کو مناتی ہے. تو ویلکم ٹو دا شو مہرین. تھینک یو سو مچ عزما مجھے بلانے کے لیے. یو آر ویلکم. عید مبارک آپ کو. خیر مبارک آپ کو بھی. جی مہرین, تو آپ یہ بتائیے
बताइए कि जो ईद का दिन है, ईद के दिन आप स्पेशल क्या करती हैं, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं? बस क्योंकि माशाल्लाह से फैमिली बहुत बड़ी है, तो ईद के दिन कोशिश होती है कि हर एक से मुलाकात हो और हर एक का दिल रखा जाए, हर एक से मिला जाए और खुशी बांटी जाए। हाँ, तो ज़्यादा तो हमारा ट्रैवलिंग में ही टाइम गुजरता है कि हमने सब फैमिली फेलोज के पास जाना होता है, सब मेंबर्स को खुश करना होता है, सबको ईदियाँ देनी होती हैं, कुछ से ईदियाँ लेनी होती हैं। क्या बात है, क्या बात है, यही तो खूबसूरती है ना। जी जी बिल्कुल की। बिल्कुल हाँ। तो आपकी स्पेशली जैसे सुबह उठते हैं कि आप कुकिंग करती हैं, कोई डिशेज बनाते हैं, स्पेशल क्या डिशेज होती हैं ईद की? कभी ईद वाले दिन मैं कुकिंग नहीं करती, मैं चांद रात पर ही कोई स्वीट बनाना, जैसे सेवइयां हो गई, अगर चिल्ला हो गया बस बना लिया। ईद वाले दिन हम कहते हैं जो भी हो जाए घर में कुकिंग नहीं करनी, या फिर मेड्स होती हैं ईद पे वो कुकिंग कर लेती हैं, हमने प्रेप सारी कर ली होती है चांद रात पे। ईद वाले दिन तोबा है कि किचन में जाओ, या तो मेकअप कर लो या ईद मना लो, तो किचन में चले जाओ, एक काम हो सकता है। सही बात है, सही, बिल्कुल ठीक आप ये कह रही है। तो ये बताइए कि ईद के ऊपर आपका यूजली किस तरह की ड्रेसिंग होती है? बस कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इजी ड्रेसिंग कैरी करें, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं, तो अगर बहुत ज़्यादा फैंसी ड्रेसिंग कैरी कर लें तो बच्चों ने तो खींच खींच के सारा जोड़ा वैसे ही ख़राब कर देना होता है। हाँ। तो कोशिश होती है कि ऐसा पहने जो एलिगेंट भी लगे लेकिन कंफर्ट को भी देखा जाए, क्योंकि आना जाना बहुत है, मिलना बहुत है, तो बार बार इतनी मुश्किल ड्रेसिंग के साथ तो बंदा नहीं चल सकता। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन आपने आज बहुत खूबसूरत कलर पहना हुआ है, समर का मैं कहती हूँ बेस्ट कलर है, जो आपने पिंक ऑरेंज और उसके साथ ही फ्लावर शेड्स के साथ पहना हुआ है, तो ये भी तो बहुत खूबसूरत है, आपने ईद का जोड़ा पहना है। जी थैंक यू सो मच। हाँ जी, तो ये हम जरा ना सारे मेहमानों की तारीफ इस तरह भी करते रहते हैं, ईद के कपड़ों पे भी नज़र रखते हैं कि कौन किस तरह के कपड़े पहन रहा है, किस तरह की कलर्स कर रहा है। तो ये बताएं कि ईद का जो सबसे आपको अच्छी लगती है, ये रमज़ान की एक जो हमारी रूटीन होती है, सबसे अच्छी चीज़ आपको इस फेस्टिविटी की क्या लगती है? मेरा ख्याल है कि रमज़ान इबादत का महीना है, और इबादत की वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाते, बात नहीं कर पाते, ज़्यादा फोकस होता है कि अल्लाह को राज़ी कर ले, माफ़ी मांग ले, सारा साल शायद हम गफलत में गुजारते हैं। हाँ। वर्क रूटीन ऐसी होती है, बच्चे, फिर लाइफ, ज़िंदगी बहुत मसरूफ़ है। हाँ हाँ हाँ। तो रमज़ान में हमने सबको पहले ही कहा होता है भाई रमज़ान है, मैंने एक्स्ट्रा काम कोई नहीं करना, रमज़ान है, मैंने किसी को कमिटमेंट नहीं देनी, क्योंकि मैंने अल्लाह के सामने अपनी हाज़िरी देनी है। तो ईद की खुशी ज़्यादा ये होती है कि हम लोग बहुत एक गैप, चूँकि रमज़ान में इतनी मुलाकात या रब्ता नहीं होता, और ईद पे फिर हम मिलते हैं, बात करते हैं, वो आपस में जो एक फैमिली बॉन्डिंग, एक क्वालिटी टाइम, वो एक बहुत मज़ा है ईद का कि आप लोग एक दूसरे के साथ मिल बैठते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ बांटते हैं, बहुत ही खूबसूरत बात। तो ये जो जाने से पहले, क्योंकि हमारे पास टाइम शॉर्ट है, हम अपने मेहमानों से छोटे छोटे मैसेजेस ले रहे हैं, तो ईद के ऊपर रोज़ न्यूज़ व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आजकल का वक्त बहुत मुश्किल है, और हर बंदा अपनी लाइफ में किसी ना किसी जंग में से गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। तो सब व्यूअर्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। बड़ी प्यारी बात की है। हजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हजां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद पे दिया जलाना, जला के रखना कमाल ये है। वाह वाह। किसी को देना ये मशवरा कि दुख बिछड़ने का भूल जाओ, और ऐसे मशवरे में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। क्या बात। हिम्मत से काम लीजिए, ये बात मुश्किल है, लेकिन हर मुश्किल के बाद अल्लाह प्यारे ने आसानी रखी है। अपने आप को कभी डाउन नहीं होने देना, और सिर्फ अपनी तवक्कल को मजबूत करें, क्योंकि उसकी कुन पे सब काम होते हैं। और इंशाल्लाह दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर बहार आएगी, दोबारा से हम सबकी जिंदगियों में एक उजाला आएगा, और इंशाल्लाह हम लोग दोबारा से उसी तरह पुरसकून और खुशहुम जिंदगी गुजार सकें इंशाल्लाह। ईद मुबारक आप सबको, और थैंक यू सो मच। ईद मुबारक भाई, आपने तो ये शायरी से और खूबसूरत मैसेज से महफिल ही लूट ली मेरी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत मैसेज का, स्पिरिचुअलिटी का, जो कि वाकई ईद के साथ बिल्कुल जाती है, साथ साथ चलती है। तो अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, आपको आपकी बहुत खूबसूरत ईद गुजरे अपनी फैमिली के साथ, और इंशाल्लाह यहाँ हम आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए। थैंक यू सो मच इसमें मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच रोज न्यूज। थैंक यू वेरी मच। जी तो व्यूवर्स, ईद ईद ईद, मेहमान मेहमान मेहमान, ये थी हमारे शो की आज थीम, जो कि आप लोगों ने ज़रूर पसंद की होगी। लेकिन जैसे कि हमारी एंड पे मेहमान आई थी महरीन, बहुत खूबसूरत उन्होंने मैसेज दिया था, बहुत सारे हमारे बाकी मेहमान हैं उन्होंने भी मैसेज दिया था। मैसेज में क्या था, मैसेज में सारे मैसेजेस का ये क्रक्स था कि आप लोगों ने ईद को खूबसूरत तरीके से मनाना ही है, चलाना ही है, लेकिन साथ साथ अपने साथ जो गरीब लोग हैं, जो आपके
के आप ये कह सकते हैं कि डिजर्विंग लोग हैं उनको नहीं भूलना है, और इसके अलावा कोशिश करें कि अपनी खुशियों में, अपने जो आपकी अल्लाह ताला ने बरकत दी है उस बरकत में, कमाई में लोगों के साथ जो डिज़र्विंग है ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ईद तो है ही ये दूसरे के दुख को समझना और उसके साथ साथ अपनी खुशियों को शेयर करना। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आप लोगों को ईद मुबारक, खूब सारी ईद गुजारिए, मीठी ईद गुजारिए, खाइए पिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द ज़रूर नज़र रखिए कि कोई परेशानी में तो नहीं है, और अगर वो मुस्कुरा नहीं रहा है तो वजह बनिए कि वो आपकी वजह से मुस्कुराए इस ईद के दिन। तो इसी खूबसूरत मैसेज के साथ आप लोगों से इजाजत लेती हैं उज़्मा अजमल सुबह बखैर पाकिस्तान से। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तो सुबह बखैर पाकिस्तान टीम की तरफ से, रोज न्यूज़ की टीम की तरफ से आप सबको ईद मुबारक और खुदा हाफिज़। يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد يا من حليت حياتنا بالإيمان يا من جمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي